हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिष्ट वर्मा और आज की इस वीडियो हम बनाने वाले हैं वर्ल्ड का सबसे छोटा रॉकेट। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रॉकेट अपने घर पर बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक इस प्रकार के सिल्वर फॉइल की, जो अपने खाना पैक करने के काम में आता है। मैंने इतना सा टुकड़ा लिया है और इसकी कटिंग करने के लिए कि मैंने कागज का कुछ साइज बनाया, इस साइज के इस सिल्वर फॉइल के टुकड़े कट करने अपने को। और ये दो माचिस है, एक में तिल्लियाँ है ये देखिए, और एक बिल्कुल खाली है, और एक इस प्रकार की छोटी सी लोहे की वायर मैंने ली है। आप इसकी जैसे लकड़ी भी ले सकते, इतनी पतली, ठीक है। कोई भी किसी प्रकार स्टिक चाहिए अपने, स्टिक होनी चाहिए कोई भी। और इसे काटने के लिए मैंने कैंची का इस्तेमाल करूंगा और साथ साथ एक मैंने ब्लेड लिया है। कैंची से नहीं कटा तो मैं ब्लेड की सहायता से भी काट सकता हूँ। और एक ये मोमबत्ती, तो इतनी चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो चलिए अब शुरू करते हैं रॉकेट बनाना। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस सिल्वर फॉइल को कटिंग करना है कुछ 5-6 लेयर के अंदर। तो इसके लिए इसे मैं फोल्ड कर लेता हूँ, कुछ लेयर बन जाए इस हिसाब से इसे फोल्ड कर लेता हूँ। इतना काफ़ी है अपने कागज के हिसाब से। और इसे अभी यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, देखिए इसे काट लेते हैं। इसे साइड में करते हैं, इसके में आवश्यकता नहीं। अभी इसको फिर से फोल्ड करेंगे। ये मैं इस कागज को यहाँ पर लगा के फोल्ड कर लेता हूँ ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए। और फिर यहाँ पर लगाने के बाद फिर इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो और आगे अभी फोल्ड नहीं होगा, चलो इतना ही बहुत अपने को। अभी इस कागज को यहाँ से सिल्वर फॉइल को इस कागज के साइज की जितना आपने कटिंग करना है, ये 6 से 7, 6 या 8 लेयर हो चुकी है, तो 8 लेयर इसकी कटिंग हो जाएगी। अभी देखते हैं वो ब्लेड मेरा कहाँ गया। सॉरी फ्रेंड्स, ब्लेड यहाँ से गायब हो चुका। मैं इस कैंची की सहायता से इसे कट कर लेगा, देखिए इस प्रकार से। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये अपना सिल्वर फॉइल कट हो गया। इसे भी साइड में कर देते हैं। ये देखिए इसके साइज के ये अपने, देखिए ये कितने टुकड़े हो चुके हैं। ये देखिए इतने टुकड़े काफी हैं। ये देखिए ये जितने टुकड़े हैं, एक टुकड़ा एक रॉकेट का है। अब ये 6 पीस बने हैं, तो ये समझिए कि 6 रॉकेट अपने बन चुके हैं छोटे छोटे। अभी क्या करना है, ये जो माचिस है इन माचिस की तीलियों को आगे से कट करना है। दोस्तों, ये जो आगे माचिस का हिस्सा होता है जिस पे ये रोगन लगा रहता है, तो इसे हमें यहाँ से हटाना है, कट करना है। तो इसे मैं कैंची की सहायता से इस खाली माचिस के अंदर एक बार कट करके डाल देता हूँ। दोस्तों, आगे से इतना ही अपने को काटना है, नहीं गिरते। ये देखिए दोस्तों, इतने काफ़ी हैं। ये देखिए 6 से 7 मैंने कटिंग कर ली है माचिस की तिल्लियों को। ये एक रह गई, इसे भी और कट कर लेते हैं, इस साइड से एक टुकड़ी कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन तिल्लियों की हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे भी साइड में करते हैं और इसे बंद करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रही अपनी माचिस की तिल्लियाँ जिसे मैंने आगे से कट कर ली है, ठीक है। अभी इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो अभी सिंपल सा फंडा है, इसे भी हम साइड में करते हैं, इसे भी साइड में करते हैं। अभी ये जो पेपर हैं, इनका रॉकेट बनाना है दोस्तों। तो इन पेपर का रॉकेट बनाने के लिए एक ये जो माचिस की तिल्ली का आगे का हिस्सा जो हमने कट किया था, उसे इस प्रकार से यहाँ पर रखेंगे। और ये जो अपने स्टिक के रूप में मैंने वायर ली थी, इस वायर को इस जगह पर यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा। और अभी इसे अच्छे से फोल्ड करना है। अभी ये थोड़ा फोल्ड करना थोड़ा इतना मुश्किल है क्योंकि कागज़ फटने का डर बहुत ज़्यादा है कि कागज़ फट ना जाए। इसे फोल्ड करना है, बट इसे यहाँ पे और इस वाली स्टिक को अपने यहाँ रखना है इस तरीके से,
ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा सेट नहीं बैठ रहा, बट इसे फोल्ड मुझे करना ही होगा तभी अपना रॉकेट बन पाएगा। ये देखिए, इन दोनों को यहाँ पे रख के फोल्ड करना है, ठीक है, तभी मैं फोल्ड कर देता हूँ। ये लीजिए दोस्तों, ये मैंने इसे अच्छे से ये फोल्ड कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने डाल दिए तिल्ली और दोनों। ये देखिए आपके सामने, अभी इसे अच्छे से यहाँ से उठाकर भी आप इसे फोल्ड कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से फोल्ड हो चुका है। अभी क्या करना है, इसे ये जो आगे का हिस्सा है, इस हिस्से को इस प्रकार से करके इसे अच्छे से ऐसे फिर फोल्ड कर लेना है। देखिए जहाँ तक अपनी तिल्ली आ चुकी है वहाँ तक ही फोल्ड होगा। फिर से इसे अच्छे से आगे से इस प्रकार से कर देते हैं ताकि ये खुले ना, जैसे अपना रॉकेट लॉन्च होगा तो ये खुल ना पाए, बस इसलिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी अपना रॉकेट बनकर बिल्कुल तैयार है और अभी इसे हम यहाँ से बाहर निकाल लें, जब ज़रूरत होगी तब इसे इसके अंदर वापस डाल देंगे। तो ये अपना रॉकेट बनकर तैयार हो चुका है, इसे मैं करता हूँ साइड में। अभी इसी प्रकार से मैं इनको भी तैयार कर लेता हूँ, तो चलिए इन सभी को मैं तैयार कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने ये रॉकेट बना लिए हैं आपके सामने। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए छः अपने पेपर कटे थे, छः रॉकेट बनकर तैयार हैं। ये सबसे छोटे रॉकेट हैं, शायद आपने ऐसे रॉकेट कहीं देखे होंगे। तो दोस्तों हमने ये जो स्टिक ली थी, ये आपके सामने स्टिक ली थी, ये हमारा एक लॉन्चर है दोस्तों। इसे बनाया वो तो है, लेकिन इसके साथ ये लॉन्चर का काम करेगा। अभी इस प्रकार से इस रॉकेट को उठाना है और ये जो सुराख जहाँ से हमने स्टिक को निकाला था वहाँ पर इसे इस तरीके से वापस डाल देना है। ये अपना लॉन्चर तैयार है। इसे रोकने के लिए मैंने यहाँ माचिस का एक स्टैंड बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्टैंड बन चुका है और ये हमारा रॉकेट अभी लॉन्च होने के लिए तैयार है दोस्तों। देखिए अभी इस माचिस की सहायता से मैं इस जो मोमबत्ती अपने ली थी, इस मोमबत्ती को जला लूँगा। ये देखिए अभी क्या करना है, ये जो ये थोड़ा सा नीचे करना होगा इसे, मोमबत्ती अपनी छोटी है, हाँ बस इस हिसाब से। और यहाँ पर इस मोमबत्ती को, ये जो अपने माचिस लगी थी वहाँ पर, जहाँ पर माचिस की तीली लगी थी वहाँ पर ये मोमबत्ती लगनी चाहिए दोस्तों। ये इस तरीके से देखिए अभी रॉकेट लॉन्च होगा। ये देखिए तो है ना दोस्तों, यार कमाल की वीडियो, बिल्कुल छोटा सा रॉकेट, वर्ल्ड का सबसे छोटा रॉकेट अपने घर पर बिना किसी खर्चे के तैयार हो रहा है और अच्छे तरीके से लॉन्च भी हो रहा है। तो चलिए इसको फिर से मैं ट्राई करता हूं दोस्तों। ये दोबारा मैंने इसे इसके अंदर लगाया, देखिए ये लगाया और इसे इसके पास में किया। ये देखिए ये देखिए है ना यार कमाल का। तो चलिए एक बार फिर ट्राई करते हैं। ये देखिए है ना यार गजब का। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मैंने आपको बताया बिल्कुल सिंपल तरीके से बिना किसी खर्चे के आप अपने घर पर विश्व का सबसे छोटा रॉकेट बना सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो इस रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।